नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम किचन गार्डन विद पीएस भंडारी में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं केसर के पौधों के बीच में हूं और आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूं केसर का अपडेट। दोस्तों, काफ़ी लोग केसर के बारे में पूछ रहे थे कि केसर के पौधे कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे केसर की मैक्सिमम हाइट हो चुकी है और इसमें केसर कभी भी आ सकती है। दोस्तों, आज मैं केसर का अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि मैं केसर के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं कि केसर के बीज कैसे लगाने हैं, इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इसमें खाद कैसे डालनी है, इसकी गुड़ाई निराई कैसे करनी है और इसके पत्तों की हरी सब्जी कैसे बनानी है। उन वीडियो का लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। दोस्तों, आप लाखों रुपए की देसी केसर गमले में आराम से उगा सकते हैं। इस बार मेरा मकसद भी यही है। पिछली बार मैंने बहुत कम गमलों में केसर उगाई थी, इस बार मैंने 15 गमलों में केसर उगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि केसर ने अपनी मैक्सिमम हाइट ले ली है और इसमें बहुत सारी ब्रांचें भी आ गई हैं। अब इसमें 15-20 दिन में फूल आने भी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं आगे भी पूरी जानकारी दूंगा कि आपने केसर के फूलों से केसर कैसे निकालनी है और उसके बीज को कैसे लेना है। मैं केसर के हर वीडियो में आपको नई नई जानकारी देता रहता हूं। आप आगे भी केसर वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी केसर के बारे में मिलती रहे। दोस्तों, ये अपडेट वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।